हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ट्रूव्यू के वाईफाई रोटेशन कैमरा के फीचर्स के बारे में और देखेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। इस कैमरे का मॉडल नंबर है T18060। ये कैमरा 2 मेगापिक्सल के हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन के साथ आता है। इसमें हमें अलार्म पुश का फंक्शन आता है। ये कैमरा पूरी तरह वायरलेसली वर्क करता है और पैन मूवमेंट का ऑप्शन यूज़ करके हम इस कैमरे को 355 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। इस कैमरे में हमें इनबिल्ट स्पीकर और माइक्रोफोन दिया गया है, जिससे कि हम टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसका लाइव व्यू और प्लेबैक हम मोबाइल ऐप के जरिए इंटरनेट को कनेक्ट करके किसी भी लोकेशन पर देख सकते हैं। ये कैमरा 128 GB तक SD कार्ड सपोर्ट करता है और इसमें हमें क्लाउड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है। तो आइए हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इस कैमरे के साथ हमें आता है यूटिलिटी बॉक्स। ये कैमरा है, स्क्रू पाउच, QC सर्टिफिकेट, यूजर मैनुअल। ये फोम शीट जो दिया हुआ है तो ये कैमरे को माउंट करने के लिए है। हम इसको स्क्रू के जरिए भी माउंट कर सकते हैं या फिर इस फोम के जरिए भी माउंट कर सकते हैं। कैमरे के साथ हमें 5 वोल्ट का DC अडैप्टर आता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें स्पीकर दिया हुआ है कैमरे का, ये QR कोड दिया हुआ है जिसको स्कैन करके हम इस कैमरे को मोबाइल ऐप में ऐड कर सकते हैं। ये पावर कनेक्टिंग पोर्ट है, यहाँ पे इसका रीसेट बटन दिया गया है और ये SD कार्ड स्लॉट है। यहाँ पे ये कैमरे का लेंस है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका मोबाइल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम देखेंगे इसमें हम मेमोरी कार्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। हमें मेमोरी कार्ड को इस तरीके से होल्ड करना है और मेमोरी कार्ड स्लॉट में इंसर्ट करना है। अब हम इसे पावर देंगे। पावर देने के बाद कैमरा ऑन हो जाएगा और उसका हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा। इस कैमरे का मोबाइल एप्लीकेशन है ट्रूव्यू 360। तो ये हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कैमरा कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कैमरे का जो हॉटस्पॉट क्रिएट होगा उसके साथ मोबाइल को कनेक्ट करना होता है। तो कैमरा स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे एक वाईफाई जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये MV और आगे नंबर में एक हॉटस्पॉट क्रिएट हुआ है, तो उसको मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैं एप्लीकेशन ओपन करूँगा। यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर ट्राई विदाउट अकाउंट करके भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिवाइस अभी मैंने कनेक्ट किया हुआ है वाईफाई से, उसको ऐड करने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे सिंपली अगर यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो भी ये डिवाइस ऐड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डिवाइस ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद इसको मैं जब प्ले करूँगा तो फर्स्ट टाइम ये पासवर्ड सेट करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर हमें पासवर्ड सेट करना होता है। पासवर्ड सेट करने के बाद हम डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि
उसका पैन मूवमेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें अलार्म अलार्म पुश का जो फंक्शन है, तो इस ऑप्शन को क्लिक करके हम अलार्म पुश का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्नैपशॉट का ऑप्शन है, रिकॉर्ड हम मोबाइल के मेमोरी कार्ड में भी इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम स्पीक का ऑप्शन यूज़ करेंगे, हेलो, तो यहाँ से हम स्पीक का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये पास पास में होने की वजह से हमिंग आ रहा है। यहाँ पे हमें प्लेबैक का ऑप्शन है, अगर हमने मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया है तो रिप्ले के ऑप्शन पे क्लिक करके हम प्लेबैक देख सकते हैं। ये मोर का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हमें कैमरे के जो फीचर्स है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें इमेज को इन्वर्जन करना है, मतलब कि इमेज को अपसाइड डाउन करना है, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे PTZ जो है तो उसकी प्रीसेट भी हम सेट कर सकते हैं। और मोशन ट्रैक का जो ऑप्शन अगर हम यहाँ पे इनेबल करते हैं, तो ये कैमरा मोशन को ट्रैक करके मूवमेंट करने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा मोशन को ट्रैक करके मूवमेंट कर रहा है। और ये सारे फीचर्स यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको इमेज क्लैरिटी चेंज करना है, USD से आपको HD करना है रिकॉर्डिंग को, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और इमेज भी आपका HD क्वालिटी में आने लगेगा। अगर यहाँ पे आप USD पे क्लिक करते हैं तो आपका इमेज क्लैरिटी भी चेंज होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस कैमरे को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास होम राउटर है तो उसके ज़रिए हम इसको इंटरनेट दे के ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी जो हमने मेथड यूज़ किया उससे हमने कैमरे को लोकली ऐड किया था। यहाँ पे हमें डिवाइस सेटिंग में जाना होता है। डिवाइस सेटिंग के अंदर हमें यहाँ पे जनरल सेटअप है, नेटवर्क सेटअप है, पासवर्ड अगर हमें चेंज करना है कैमरे का तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। फर्मवेयर वर्जन का अगर अपडेट हमें करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एक रेड मार्क आता है अगर फर्मवेयर वर्जन अवेलेबल है। इसमें रिकॉर्ड सेटिंग भी है, हमें रिकॉर्ड सेटिंग में हमें अगर कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑन करना है या ऑफ़ करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट या फिर उसका कैपेसिटी अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। SD कार्ड फॉर्मेट करने का ऑप्शन भी हमें यहाँ पे आता है। PTZ ऑटो पेट्रोल का जो ऑप्शन है, प्रीसेट सेट करके हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेटवर्क सेटअप के अंदर हमें यहाँ पे AP हॉटस्पॉट मोड, मतलब कि जो लोकल वाईफाई होता है कैमरे का, उसके साथ कनेक्ट करके हम इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। और यहाँ पे वाईफाई स्टेशन मोड पे अगर हम स्विच करेंगे तो हमें कैमरा को आपके जो लोकल वाईफाई रहेगा उसके साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम वाईफाई सिलेक्ट करेंगे। वाईफाई का पासवर्ड हम दे सकते हैं यहाँ पे। पासवर्ड देने के बाद हमें यहाँ पे इस पे सेव पे क्लिक करना है। तो कैमरे ऑनलाइन होने का एक प्रोसेस होगा इसमें। और कैमरे के अंदर से भी हमें वॉइस प्रॉम्प्ट आएगा, तो अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तो हमें सक्सेस का साउंड आएगा, अगर फेल होता है तो फेल का आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप जैसे वॉइस प्रॉम्प्ट सुन सकते हैं, तो वाईफाई कनेक्टेड का वॉइस प्रॉम्प्ट आया है, मतलब कि ये कैमरा अभी ऑनलाइन हो चुका है। और हम इसे मोबाइल नेटवर्क पे कोई भी लोकेशन से ऑनलाइन देख सकते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि आपको अभी इसको लोकल हॉटस्पॉट को कनेक्ट करना है तब आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी भी लोकेशन पे है तो मोबाइल नेटवर्क या फिर किसी भी वाईफाई के ज़रिए आप इस कैमरे को ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये है इसका ऑनलाइन प्रोसेस और कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।